तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूं जिन सैमसंग गैलेक्सी में वन यू आई 5.0 का अपडेट आ चुका है उसके अंदर एक कमाल का फीचर बताने वाला हूं, या फिर बोल सकते हैं कमाल का एक हिडन फीचर बताने वाला हूं जो कि बहुत यूजफुल भी है। क्या यह फीचर है, कैसे इसको यूज करेंगे, आगे आपको बताने वाला हूं। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा देना, और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर लेना। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बताने वाला हूँ एक कमाल का हिडन फीचर जो कि आफ्टर वन यू आई 5.0 इनेबल किया गया, वो ये है, वो है क्यूक पैनल के अंदर। अगर आप यहाँ पर क्यूक पैनल पे जाएंगे तो आप देखेंगे आपको यहाँ एक रूम में आपको यहाँ पर तीन दिख रहे हैं, मतलब कि आपको कुछ इनेबल करना हो तो एक रूम में आपको तीन दिख रहे हैं, ज्यादा चार दिखते होंगे आपको। ऐसे ही अगर आपको बहुत सारे अगर आपने यहाँ पर ऐड कर रखे तो आपको बहुत दिक्कत होती होगी एक एक कर को फाइंड करने में। इससे पहले वन यू आई 2 में या फिर वन यू आई 3 में आप यहाँ पर इसको मिनिमाइज कर सकते थे और एक रूम में मैक्सिमम 5 यहाँ पर आप एड ऑन कर सकते थे कोई भी शॉर्टकट्स या बोल सकते हैं कोई भी ऐप को जिसको आप यूज कर सकें इन ऐप पैनल पे। अब ये क्या हो गया है, वन यू आई 4 में नहीं था या 4.1 में ऐसा कुछ था कि वहां पर आप क्यूब पैनल पे ज्यादा ऐड नहीं कर सकते थे, बट अब फाइनली वन यू आई 5.0 में उसको इनेबल कर दिया गया है। तो उसको इनेबल करने के लिए आपको करना क्या है, आपको जाना है अपने मोबाइल की गुडलक ऐप में। गुडलक ऐप में जाने के बाद आपको यहां पर जाना है क्यूक स्टार वाले मॉड्यूल पे। क्यूक स्टार मॉड्यूल को आपको अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा शो क्यूक बटन ग्रिड वाला ऑप्शन, आपको इसको ऑन कर लेना है। इसको ऑन करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ बैक कर लेना है, बंद कर देना है। यहाँ नीचे करेंगे आपको यहाँ 3 डॉट्स पर जाना है और यहाँ पर आपको मिलेगा बटन ग्रिड का ऑप्शन। जब तक आप उसको इनेबल नहीं करेंगे तो यहाँ नहीं दिखेगा। तो उसको इनेबल करने के बाद आपको इसको यहाँ पर ऑन पर जाना है। अब यहाँ आपको ऐसा ऑप्शन मिलने वाला है तो आपको यहाँ से इसको बढ़ा लेना है कि एक रो में आपको कितने चाहिए। आप यहाँ से थोड़ा बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे 4 हो गया, आपको दिख रहा होगा एक रो में 4 आने लगे। ऐसे ही अगर आप इसको फुल नेरो पे कर देंगे तो अब एक रो में आपके 5 यहाँ पर आने पड़े, जो कि मैक्सिमम इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते, बट ये सही है। इससे क्या रहता है, आपको सिर्फ 1 या 2 बार में ही आपका काम हो जाएगा। मैक्सिमम 1 या 2 बार में आपके पूरे जो भी आपके क्यूक टोल में जो भी आपने ऐड कर रखे जिसको आप इजीली यहाँ पर एक्सेस कर पाएंगे, नहीं तो 2 या 3 वाली रो में तो ढूंढते रहो वाला टाइम हो जाता था। यहाँ पर आप उस टास्क को इजीली कर सकते हैं। यही नया फीचर था जो कि मुझे लगा यार बहुत कमाल का है, इसलिए मैंने आपको एक छोटी सी वीडियो बना के बताया। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा देना, और हो सके यार भाई इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर लिया करो यार, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों।